सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम लोग आज मौजूद हुए हैं प्रोफेसर कौशल पवार जी के निवास स्थान पे। बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं विश्व में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और जितने भी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस या अंबेडकरवादी सभाएं जहां होती हैं तो वहां पे मैम का भाषण आपको सुनने को मिलता है। उनकी मोटिवेशनल हमें बड़ी इंस्पायर करती हैं, युवाओं को खासकर। मैं स्वागत करता हूं सम्यक इंडिया टीवी में। मैम, आपका स्वागत है सम्यक इंडिया टीवी में। थैंक यू सो मच। जय भीम। मैम, एक सवाल है कि जब आप स्कूल में पढ़ रही थी, स्कूल में पढ़ने के बाद JNU जैसे विश्वविद्यालय में आपने अपना कोर्स पूरा किया, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी में, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में आपने प्रभार संभाला प्रोफेसर पद का, और अभी तक का जो सफ़र रहा उसमें जो जातिवाद है, जो जाति व्यवस्था है आपके समय से लेके और वर्तमान में, जाति व्यवस्था या जातिवाद को आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव आए हैं, उस पर थोड़ी जानकारी हमें दीजिए। देखिए हेमंत जी, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैंने PG मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया था हरियाणा में। मैंने डॉक्टरेट JNU से किया है, देन आई ज्वाइंट दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड नाउ आई एम वर्किंग हेयर। इन दिनों और उन दिनों में बहुत अंतर है, बहुत बदलाव आया है। इसको खासकर मैं इसका क्रेडिट दूंगी हमारे जो सामाजिक आंदोलन हैं उनको भी दूंगी कि जिन्होंने जाति व्यवस्था के स्वरूप को बदलने के लिए बाध्य किया। अगर मैं उस दौर की बात करूं तो उस दौर में जो जाति का जो एक चरित्र था वो सीधे रूप से हमारे सामने आता था। गांव देहात में चाहे वो खेतों में काम करने वाला हो या फिर दूसरों के घरों में काम करना हो, मैं सफाई कर्मचारी से आती हूँ तो हम लोग दूसरों के घरों में भी मैनुअल स्क्रंजिंग का काम करते थे, तो वहाँ वो सीधे रूप से अछूतपन का, जातिवाद का हमें दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही हम गांवों से शहरों की तरफ बढ़ते हैं तो जाति व्यवस्था का रूप बदल जाता है, स्वरूप बदलता है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती यहाँ कि जाति व्यवस्था ख़त्म हुई है, बल्कि आप ये देखिए कि आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो कास्टिज्म स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसको बहुत मायने से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब जाति के चेहरे को देखते हैं वो चेहरा जरूर बदला है लेकिन जो उसका जो क्रूरतम जो चरित्र है वो आज तक भी नहीं बदला। मैं अगर अपना उदाहरण लूँ, और न केवल मेरा बल्कि तमाम जो मेरे इर्द करते, जो मेरा समाज है, हमारे जो दलित बहुजन समाज है उसको भी अगर मैं देखूँ एक पैनी दृष्टिकोण से, तो इनमें भी हमें साफ नज़र आता है कि जाति व्यवस्था जो सीधे रूप से हमें आमना सामना एक स्कूलिंग एजुकेशन के टाइम होता था या उससे बचपन के जो कड़वे अनुभव थे, इसको आप बहुत सारी आत्मकथाओं में भी देख सकते हैं। प्रोफेसर शिवराज बेचैन की आत्मकथा भी है, तमाम सुशीला टाकपुरे की आत्मकथा है, कौशल्या भैंसरी की आत्मकथा है, मोहनदास ने मिश्रा, जयप्रकाश करदम, तमाम हमारे दलित लेखक जिन्होंने जाति व्यवस्था के उस स्वरूप के ऊपर बहुत विस्तार से लिखा है। लेकिन आज की जो स्थितियाँ हैं, मैं अगर अपना ही उदाहरण लूँ, जब मैं गाँव के स्कूल में थी तब कास्टिज्म मैं अलग तरह से फेस करती थी, लेकिन जैसे मैं JNU तक पहुँची उसमें जाति व्यवस्था एक अलग रूप में मेरे सामने आई। जहाँ एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, जहाँ बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव सोच के लोग रहते हैं, जहाँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो स्कूली एजुकेशन, जो हाई लेवल के जो एजुकेशन जिसको हम हाईएस्ट एकेडमिशियन कहेंगे, उस जमात को जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जैसी यूनिवर्सिटी में देखती हूँ तो वहाँ जाति व्यवस्था मुझे बदलती हुई दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम JNU के हॉस्टल्स को ले लीजिए। उन हॉस्टल्स में कैसे जब रूम जब डिवाइड होते हैं कि कौन सा रूम किस स्टूडेंट को अलॉट होगा, उसमें बहुत सारी जाति व्यवस्था में प्ररूप दिखाने देखने को मिलता है। जब कमेटी डिसाइड होती है उसमें जाति व्यवस्था का एक अलग रूप हमें दिखाई देता है। तो मैं इसलिए हेमंत जी ये कहना चाहती हूँ कि ये इंटायर सोसाइटीज़ की बात है, हमारे पूरे बदलते हुए भारत की जो तस्वीर है उसमें जाति व्यवस्था आज आधुनिकीकरण के माध्यम से जाति व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाति व्यवस्था, टेक्नोलॉजी इन द सेंस मतलब आप तमाम मीडिया चैनल देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, सोशल मीडियाज़ देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, बहुत सारी तमाम जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की जो फॉर्मेशन है उसमें किस तरीके से जातिवाद का चेहरा एक अलग तरह का रूप हमें दिखाई देता है, ये मुझे लगता है कि जाति व्यवस्था का बदलता हुआ स्वरूप है। और इसे हमें इसलिए समझने की ज़रूरत है कि आज जब हम फेस करते हैं जाति व्यवस्था, वो आपके करियर के ऊपर प्रहार करती है, आपकी सोच के ऊपर प्रहार करती है, आपकी आइडियोलॉजी को नष्ट करती है। और आपकी आइडियोलॉजी को अगर वो नष्ट नहीं करती
तो एक कल्चरल चेंज के माध्यम से वो नरेटिव ऐसा सेट किया जाता है कि आप उसमें उलझ के रह जाते हैं, आप खुद सोचने पर बाध्य होते हैं कि क्या जो मैंने अभी तक पढ़ा पूरे साहित्यों को लेकर, तमाम आत्मकथाओं में, तमाम जो लिटरेचर, जो सो कॉल्ड जो शास्त्रीय जो एक परंपरा के साहित्य में देखते हैं, हमें खुद पे ही क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाता है कि क्या हम ही तो गलत नहीं है। तो ये नरेटिव सेट किया जा रहा है, मतलब जो तमाम जो फोर्सेज एक तरह से हैं, जो कट्टरपंथी फोर्सेज हैं या जो कास्टिस्ट फोर्सेज हैं, वो हमारे सामने सेट भी वही कर रहा है हमारा नैरेटिव। तो इसलिए जाति व्यवस्था के बदलते हुए स्वरूप को, खासकर आपके तमाम जैसे आपका जो सोशल मीडिया है, आपका यूट्यूब चैनल है, इन चैनल्स के माध्यम से ये दिखाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एक गांव देहात जाति व्यवस्था का स्वरूप, का स्कूल का स्वरूप, किस तरीके से जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जो हाईली एकेडमिक पूरे तमाम वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है उस तक पहुँचता है, ये मुझे लगता है इसको देखने समझने की ज़रूरत है। मैम एक और बात है कि जिस तरीके से संविधान जब लागू हुआ, इस देश की व्यवस्था बदली, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान इस देश को दिया, उसके बाद ये व्यवस्था बदली, फिजिकली जो अनटचेबिलिटी थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में वो अनटचेबिलिटी है, जातिवाद अभी भी है। क्योंकि मैं भी जिस फील्ड से आता हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि लोग छोटी सी बात, एक वर्ड जो मैं यूज़ करना चाहूँगा कि यार अगर कुछ ख़राब लग रहा है या फिर उसको थोड़ा सा उसका ड्रेसअप सेंस अच्छा नहीं लगा, तो उसको कहते हैं यार कैसे भंगी लग रहा है, चमार लग रहा है, भंगी चमार, ऐसा इस तरह की वर्डिंग्स नॉर्मली लोगों के दिमाग में या जबान पे रहती है, आ जाती है। तो इस पे क्या कहेंगे, इस पे युवाओं को किस तरह से आप समझाएंगे कि हम कैसे इस सोच को बदल पाएंगे? देखिए ये सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि भारत जैसी जगह पर जहाँ तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो कास्ट के करैक्टर को लेकर चलती है, उसमें ऐसी सोच को बदलना बड़ा मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे यहाँ एक काम करने वाली थी, मैंने उससे ऐसे एक दिन एक महिला होने के नाते ऐसे ही पूछा कि उसने मुझे बताना शुरू किया कि मुझे ना घर चाहिए रेंट पर लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है ले लो, करे उन्होंने कहा कि मिल ले रहा। मैंने कहा कि यहाँ पीछे पालम जैसे एरिया में थोड़ा सा चिप पड़ता है, वहाँ से ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं वहाँ भंगियों चमारों के बीच में मुझे नहीं रहना। अब बहुत ये बहुत सहज भाव से कही गई बात है, लेकिन मेरी पूरी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा एकदम सीधा। आप ये देखिए कि ये अछूतपन का भाव इस कदर है कि वो खुद दूसरों के घरों में काम कर रही है। मतलब आप विडम्बना देखिए कि उसके पास आर्थिक रूप से कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन जो एक जो अपर कास्ट का जो भाव जो आ रहा है, जिसको हम ग्लोरीफाई करना कहते हैं, वो जो जो एक महानता का वाला जो है, ये कहाँ से आ रहा है? ये वहीं से आ रहा है जहाँ से जाति एक क्रूरतम रूप में हमारे सामने आती है। और इसलिए मैंने अपनी बात को मैं इसलिए पुख्ता कर रही हूँ कि इसको तोड़ पाना मुझे नहीं लगता कि कुछ संभव हो पाएगा। आप देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे मतलब पूरे विश्व के जो रत्न हैं, उनको फेस करना पड़ा था, जहाँ कोलंबिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ तमाम विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उनको अपनी पलकों पर बिछाए हुए थे। यहाँ आने के बाद, इंडिया में आने के बाद उनके साथ क्या हुआ था? कैसे उनको मतलब पानी भी पीने के लिए नहीं दिया जाता, कैसे फेंक की जाती थी उनके सामने फाइलें? तो ये अछूतपन है। और दूसरी चीज़ ये, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो कास्ट का चरित्र है, जो अनटचेबिलिटी का चरित्र है, वो भी अब आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हमारे पास कहाँ जातिवाद, हम तो देखो हम तो साथ में बैठ के खिलाते हैं, साथ में बैठ के पीते हैं, बराबर में बैठे हैं। मतलब जैसे उन्होंने बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल कर ली कि आप भूल जाते हैं कि हम अपनी योग्यता से यहाँ बैठे हैं, आपने नहीं हमें बिठाया। हम तब मानेंगे जब एक शिविर में मरते हुए आदमी को आप तड़पता हुआ ना छोड़ के अपने पास बिठाएं, उसको जिंदा वो बच सकता है, लेकिन आप उसको छूना नहीं चाहते। क्यों नहीं छूना चाहते? क्योंकि वो ऐसी कम्युनिटी से आता है जहाँ इंसान को इंसान की नज़र से नहीं दिया। आपको कुत्ते प्यारे हैं, आपको जानवर प्यारे हैं, लेकिन इंसान जो मूल रूप से एक बोलते हैं, जो कि इंसान भी एक अपने आप में एक वही रहा है, मौलिक उसका रूप रहा, उसको आप देखना पसंद नहीं करते। आप तब ये बात कही है कि हम बराबर में आ चुके हैं, अछूतपन नहीं है कि आप उस मेन हॉल में मरते हुए जो मर जाएगा आपकी वजह से, मरते हुए आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ सकते।
लेकिन मैम अभी जैसे एक खबर भी बहुत सारी जगह से आ रही है कि गौ हत्या तो पाप है, गौ हत्याओं का संरक्षण भी सरकार दे रही, लेकिन सब कुछ माफ है, सब कुछ माफ है, और लेकिन कि अभी भी जो मेन हॉल में हमारे समाज के वाल्मीकि समाज के लोग सफाई के लिए उतरते हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार अभी संवेदनशील नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? असल में ना देखिए, गाँव गाय से हमारा कोई वैर नहीं है, हमारा बहुत आदरणीय पशु रहा है और आपसे इनसे ज़्यादा ही रहा है, बल्कि आप भी आज भी गांव देहात में चले जाइए, हमारे यहाँ जब लेपा जाता है घर को, जब लेपते हैं मिट्टी, इनके घर तो पत्थरों के बने हुए हैं, लेकिन हमारे दलित बहुजन की जो आबादी है वो तो पूरा आज भी गोबर से लिपी जाती है, और जो गोबर जो इस्तेमाल किया जाता है हम गाँव गाय का इस्तेमाल करते हैं। आज भी मेरे गाँव में मेरी कम्युनिटी के लोग पहली रोटी गाय को देते हैं, उनसे ज़्यादा हम गाय का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ढिंढोरे नहीं पीटते कि आप ये कहें कि वो आपके लिए ज़्यादा सम्माननीय है, एक मरता हुआ इंसान जिसको आप बचा सकते हैं उसके लिए आप कुछ नहीं करना चाहते। आप गाय के बचाने के, मैंने कहा ना कि मेरा विरोध नहीं है गाय से, बिल्कुल विरोध नहीं है, हम भी पशुओं के उतने ही, गाय के उतने ही आदर भाव रखते हैं जितने आप लोग रखते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दुख तो होगा ही ना, आप गाय के संरक्षण के लिए तो आयोग बना रहे हैं, उनके लिए आधार कार्ड तक की बात करते हैं, लेकिन जो मैनुअल स्क्रैंजिंग में जो लोग मर जाते हैं काम करते हुए, जिनको बीमारियां लगती हैं, आंकड़े आपके पास नहीं है, कोई सर्वे नहीं हुआ, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चला, उससे पहले निर्मल भारत अभियान चला, कितने अभियानों ने यहाँ पर सर्वे करवाया कि कितने लोग मेन हॉल में मारे गए, कितने लोग आज भी सिर के ऊपर मैला ढोते हैं, नहीं, वो बहुत आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपके सामने सारी तस्वीर एकदम साफ साफ नजर आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपके उस आपको आपके पास ऐसी कोई ठोस प्लानिंग नहीं है कि इन इन जो युवा हैं ये लोग, दिल्ली में राम लोहर लोहिया का एग्जाम्पल आपके सामने, हॉस्पिटल में लोग मारे जाते हैं, अभी मेरे यहाँ बगल में भगचंद्रा हॉस्पिटल है, एक दिन मैंने देखा दो आदमी मैनुअल, मतलब ऐसे ही बिना किसी तरह का कोई इक्विपमेंट लिए, कुछ कोई ऐसा कुछ नहीं था उनके ऊपर, वो मेल होने में उतर रहे थे हॉस्पिटल में, जहाँ हम हॉस्पिटल को एक तरह से मानवता को बचाने का सबसे बड़ा एक तरह से भगवान के नज़रिए से देखते हैं, उसमें आप आराम से तमाशा देख रहे हैं, सारे डॉक्टर आते जाते हैं, राम मनोहर लोहिया में चार लोग मारे जाते हैं, आपकी सारी सरकारें, आपके सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो इतना बड़ा झंडा बदार बनते हैं कि हमें एक राष्ट्र एक सोच, रन फॉर यूनिटी, कहाँ चली जाती है वो रन फॉर यूनिटी, आपको वो लोग मरते हुए दिखाई नहीं देते, दिखते हैं लेकिन उनके लिए कदर नहीं है। ये जस्ट एक ये क्लैरिफिकेशन नहीं मैं दे रही एज बिंग ए रिलेटेड टू सोशल एक्टिविस्ट और एज बिंग ए रिलेटेड टू मैनुअल स्कंजर फैमिली, बट हम भी समझदार, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी उतने ही राष्ट्रवादी हैं, हमने भी इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं और देते आ रहे हैं, हमने आज़ाद भारत के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस आज़ाद भारत के लिए नहीं लड़ी थी कि आप एक चीज़ के लिए पशुओं के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो आयोग बनाए, आधार कार्ड बनाए, उनके लिए साइंटिफिक चीज़ लेके आए, और दूसरी तरफ से एक आपकी आंखों के सामने मर जाते हैं। दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहाँ पर लोग लगातार मरे थे, आपको याद होगा, अगर आप मैं याद दिलवाऊं तो दिल्ली में लगातार 11 तारीख से लेके और 18-19 तारीख तक लगातार लोग मेन हॉल में सिवर में साफ करते हुए मारे गए थे, इसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई आपके पास किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेके आ सकते हैं लेकिन लेके नहीं आना चाहते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर जिस दिन ये टेक्नोलॉजी यहाँ लागू हुई तो उनका उनकी मजदूरी कौन करेगा भाई, उनका मैला कौन ढोएगा सिर के ऊपर, वो तो तभी तक कायम है ना जब तक आप खुद उसमें उसको उस पेशे में आप धकेल रहे हैं। अगर आप पढ़ लिख गए, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर लगे हैं, अगर आप बैंक के अधिकारी हैं, अगर आप IAS बने हुए हैं, अगर आप उद्योगपति हैं, अगर आपके सामान को मार्केट में उतार दिया जाता है तो आपके आपके सिर के ऊपर टोकरा कौन उठाएगा, आपका गोबर कौन पाथेगा, आपकी मजदूरी कौन करेगा, आपके सिरी पाली कौन होंगे, वही जमात है, वो डोमिनेट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब तक वो उसी पेशे में रहेंगे तभी तक उनका डोमिनेशन कायम है, अगर वो पेशा वो नहीं करेंगे तो डोमिनेशन कहाँ चला जाएगा फिर। ये जातीय चरित्र है भारत का जो बदलना नहीं चाहता, हालांकि ऐसा नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के बाद एक बदलाव आया है और बड़ा बदलाव आया है, वो उसको मैं बहुत एक पॉजिटिव नज़रिए से देखती हूँ, और न सिर्फ टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया के माध्यम से आया है बल्कि वो एजुकेशन में आया है, दूसरे फील्ड में आया है, खेलों में आया है, उद्योगपति बने हैं, अभी पिछले दिनों की रिपोर्ट आप मीडिया ने में भी देखी होगी कि हमने अपना अपने फूड उतारने शुरू किए मार्केट में, भीम के नाम से, अजय भीम प्रोडक्शन के नाम से, और भी बहुत सारे तमाम, हाँ मूल्यवासी के नाम से, तो ये एक बदलाव है, ये कल्चरल चेंज भी है,
उसको मैं इस नज़रिए से देखती हूँ। और इसमें वाल्मीकि समाज अब बढ़ चढ़ कर भागीदारी भी ले रहा है, वो अब उस झाड़ू को छोड़ना चाहता है जिसको आपने उसको ऊपर थोप दिया था, जिसका जो यहाँ का मूल निवासी था, जो यहाँ का सारे संसाधनों पर जिसका एक साम्राज्य था, एक तो साम्राज्य ऐसा जो डेमोक्रेटिक तरीके से हम कहें वो था, आपने धीरे धीरे उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया था, अब वो झाड़ू छोड़ने के लिए तैयार है। और एक ऐसी घटना है कि अभी जैसे सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं एक्टिव हैं कि आरक्षण का विरोध बहुत ज़्यादा होता है, कि आरक्षण से ये लोग बड़े बड़े पदों पे बैठ गए हैं, भीख मिल रही है इनको आरक्षण के तौर पे, इस तरह के वर्डिंग्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि जातिवाद ख़त्म कीजिए, आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जाति है कि नहीं जाती है। एक इंसिडेंस है कि दो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको शौच आया मॉर्निंग में, तो वो खेत में शौच करने गए, लेकिन उनको सिर्फ जाति की वजह से, उनकी जाति जैसे ही पता लगी, उन दोनों बच्चों को पीट पीट के मार दिया गया। तो ये जाति तो खत्म हो नहीं रही, लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात चल रही है। तो इस तरह की जातिवाद आज भी इस देश में हो रही है। इस पे आरक्षण, ये रेलवे का आरक्षण नहीं है, ये एयरपोर्ट का आरक्षण नहीं है, ये टिकट बुक करवाने का आरक्षण है, ये प्रतिनिधित्व था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण प्रतिनिधित्व के रूप में दिया था। वो प्रतिनिधित्व को आप ख़त्म करना चाहते हैं, वो इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि मैंने कहा ना, बदलाव तो आया है, तमाम हमारे जितने भी फोर फादर रहे हैं उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और बदलाव एक नज़र आ रहा है साफ, उसको रोका कैसे जाए। इसमें दो तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक ऐसी बेल्ट है जो आरक्षण के ऊपर सीधा अटैक कर रही है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाना चाहिए, जाति के ऊपर वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी चीज़ एक और है कि वो आरक्षण ख़त्म किया जाए या आरक्षण को ख़त्म करने की मांगो, ये शब्द न यूज करके वो दूसरा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये कि आरक्षण को आप इतना पंगु बना दीजिए कि वो किसी काम का ना रहे। आप ये देखिए, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूलों में, हमारे मतलब जो जितने तमाम जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स में हम लोग जो आगे बढ़े वो एक प्रतिनिधित्व की वजह से बढ़े, आरक्षण की वजह से बढ़े। अब उनको ये समझ आने लगा है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। हमारे सामने उदाहरण है, IAS में टॉप करते हैं हमारे बच्चे, हमारे बच्चे बैंक में जा रहे हैं, बैंकर बन रहे हैं, हमारे बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे हैं। तो उनको ये समझ आ गया कि ये जमात अब झाड़ू सिर पे उठा के ज़्यादा दिन तक नहीं रखेगी, अब क्या किया जाए। आरक्षण वो सीधे रूप में बंद नहीं कर सकते क्योंकि वोट से जुड़ा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं कि आरक्षण को इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं कि आप आरक्षण शब्द ख़त्म नहीं कर रहे लेकिन आरक्षण को इतना पंगु बना दें वो किसी काम का नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, रोस्टर की, आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से तमाम रोस्टर के ऊपर बंद हुआ पूरा भारत। दूसरी चीज़ ये कि आरक्षण को एक तरह से इस तरीके से वो ख़त्म करेंगे कि आप जब यूनिवर्सिटीज़ को बेच देंगे, जब आप स्कूल कॉलेजेस को बेच देंगे, जब आप जितनी पब्लिक सेक्टर्स थे उनको सबको धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे तो आरक्षण का करेंगे क्या आप? आरक्षण रखा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? आप देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में, आज़ाद भारत में कम से कम रेलवे में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हमें मिलता था, SC ST OBCs को, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार अब पड़ रही है हमारे सामने। तेजस जैसी प्राइवेट रेल को लेके आए तो उसमें कहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि यहाँ CV में टाइटल जब देखते हैं कि कौशल पवार लिखा हुआ है और एक मिश्रा लिखा हुआ है और एक सिन्हा लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को देंगे ना वो प्राइवेट में, वो सरकारी उसमें प्राइवेट में हमें क्यों घुसने देंगे। अब ये एक बहुत बड़ी समझने की ज़रूरत है, दलितों बहुजनों को समझने की ज़रूरत है कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उस आरक्षण को सीधे ख़त्म ना करके प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा है, और ये होगा और लागू हो चुका है। आप ये देखिए, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो आरक्षण का जो फार्मूला लागू इन्होंने किया, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देंगे तो आरक्षण की, तो आप आरक्षण का करेंगे क्या फिर? हम लोगों ने पिछली बार, आपको याद होगा, प्रोफेसर सुखदेव थराट की कमेटी ने ये मांग की थी, बाकायदा बालचंद मुंगेकर भी उसमें थे और भी कई हमारे तमाम इंटेलेक्चुअल जो क्रीम है हमारी सोसाइटी की, उन्होंने कहा था कि हमें रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर चाहिए, क्यों, ये तब कहा था। और अब तो बहुत बुरी तरह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो आरक्षण अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, ये जाति को और आरक्षण को दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देखना चाहते हैं। मैं सुझाव इसमें ये दूंगी कि जब भी आरक्षण को ख़त्म करने की बात हो, हम सीधा तमाम एक सेकंड में ये कहें कि ठीक है,
आप जाति को खत्म कर दीजिए, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। लास्ट चीज मैं इसमें ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये भी हमें देखने की जरूरत है कि ये आरक्षण, ये प्रतिनिधित्व जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उस जमात तक भी पहुँचे। वहाँ हम हिस्सेदारी अपने अपने समाज को, अपने समुदायों को खुद देंगे। हम डिसाइड करेंगे कि हमें रिजर्वेशन कैसे देना है अपने अपने तमाम अपने समुदायों को। हम ये मांग करेंगे कि रिजर्वेशन के साथ विद इन रिजर्वेशन हम दे दें, क्या दिक्कत है। एससी का ए और बी कर दीजिए, वो कैटेगराइजेशन करिए जिसमें तमाम वो लोग आ जाएं, वाल्मीकि है, धानक है, डेहा है, डोम है, ऐसी जातियां जो जिनको आरक्षण कहीं ना कहीं मिला। बेसिकली ये हथियार है इनका। मैं इसलिए आपसे हेमंत जी इसकी चर्चा कर रही हूँ, मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि जब भी आरक्षण की बात करते हैं ये आजकल बड़े मतलब ठेकेदार बन के ये कहते हैं कि आरक्षण तो खत्म हो ही जाना चाहिए क्योंकि उन लोगों को तो मिला ही नहीं जिनकी ज़रूरत है। और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है क्योंकि जो सॉफ्ट कॉर्नर है हमारा उसी पे ये टारगेट भी करते हैं। और उस टारगेट में क्या होता है कि हम लोग फिर, क्योंकि हमें भी उस अधिकार की बात करनी है, उस वो मांग हमें भी चाहिए, तो हम भी फिर उसके मोहरे में फिट हो जाते हैं। मैं बिल्कुल एकदम साफ गोई से ये मांग कर रही हूँ। पिछले दिनों हरियाणा में वाल्मीकि वर्सेज पूरा हुआ तो बहुत एक कट्टरपन तक पहुँचा। मैंने उसमें भी वहाँ पे भी यही बात की थी कि हमें अपना सौहार्द और समानता दोनों बनाकर रखनी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि ये मेरे सारी संतान हैं, बराबर हैं, ये हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। आप तय नहीं करेंगे कि आप ये कहिए कि ठीक है आरक्षण पर ना समीक्षा हो जानी चाहिए। हम समीक्षा कहाँ कर रहे हैं, हमें समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास क्या आंकड़ा है कि आप समीक्षा करें। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा काम है, हम देंगे अपने आप, वो फार्मूला हम निकालेंगे। हम चाह रहे हैं कि ऐसी ए और बी कैटेगरी हो जाए। आप समीक्षा बात करके आप उसके झंडा बदार बन के उस आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं जिसके लिए हमारे फोर फादर ने कुर्बानियाँ दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था आप याद करिए उनकी। मैं तो आज, मेरी माता जी की बरसी है, एक साल हुआ आज, मैं सुबह से लेकर और तीन दिन हो गए मुझे आज उनकी याद में। मैंने एक तरह से मतलब उनको अपने मन को शांत करने के लिए मैंने आज उनके सामने ही खाना खाया तीन दिन बाद, क्योंकि 5 को उनकी डेथ हुई थी, 7 को एक तरह से वो विदा हुई थी संसार में। मैं इतनी चीज़ से हिल गई। आप सोच के देखिए, वो ऐसा महान आदमी जिसने अपने बच्चे को ये पता लग चुका है कि उसकी डेथ होगी, वो उसको दाह संस्कार करने के लिए नहीं जाता, दफनाने के लिए नहीं जाता। वो कहाँ जाता है, वो क्या कहता है रमा भाई से कि ये तमाम जितने भी दलित हैं ये मेरे अपने हैं, आज मैं एक अपने बच्चे के लिए इन सब के अधिकारों को नहीं छीन सकता। अब सोच के देखिए कि हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है, जिस तरीके से उनका संघर्ष हमारे सामने, और उसी प्रतिनिधित्व से, उसी आरक्षण से जो समाज की भलाई के लिए, समानता के लिए। अब समरसता शब्द का यूज कर रहे हैं कि आपने समानता ले ली, क्यों चाहिए हमें समरसता, हमें तो समानता चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। समरसता आप अपने पास रख लीजिए, हमें चाहिए अपना अधिकार। और आने वाले दिनों में मैं आपके चैनल के माध्यम से, सम्यक इंडिया के माध्यम से तमाम दर्शकों से ये अनुरोध भी करती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आने वाले दिनों में प्राइवेटाइजेशन होगा, और उस प्राइवेटाइजेशन में अगर आप रिजर्वेशन विद इन प्राइवेटाइजेशन अगर नहीं करेंगे तो रिजर्वेशन अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आगे के लिए तैयार रहिए, लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब आगे बाबा साहब अम्बेडकर जन्म लेकर नहीं आने वाले, उस वक्त तो वो थे ना, हमें ये लगता था कि वो कर लेंगे सब कुछ। अब वो तो दे चुके ना आपके सामने, इतनी बड़ी किताब, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है हमारे सामने है, आप उसको पढ़ना नहीं चाहते, आप दूसरी चीज़ों को में लगे हुए हैं, आप अपने ही डपली डपली अपना अपना राग। हमारी गोटियाँ बनी हुई, ये चार चमार गोटी, ये धानक गोटी, ये धोबी गोटी, ये वाल्मीकि गोटी, ये इसका महाराज, ये इसका गुरु, इसका फला, इसका डिगड़ा। लेकिन अब उस इंटायर जो भावना थी, ज्योतिबा फुले का जो योगदान था, सावित्री बाई फुले का योगदान, उदा देवी का जो योगदान था, कितने तमाम हमारे जितने लोगों ने, महापुरुषों ने कुर्बानियां दे रही, हमारी माताओं ने कुर्बानियां दी, अपने मतलब अपने ऊपर झेला सब कुछ, वो आज इस तरीके से टुकड़ों में बट रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। हम उसको पढ़ना नहीं चाह रहे। जो नरेटिव आपके सामने फिट किया जा रहा है, आप उस नरेटिव में खुश हो जाते हैं देख के। नरेटिव तो वो बदलेंगे ही, वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, सच बताऊं तो वो अपना काम कर रहे हैं। शिकायत है मुझे अपने आप से, अपने लोगों से, कि हम उन कुर्बानियों को भूलते जा रहे हैं। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे समाज के युवाओं को साहित्य, जो हमारा समाज का इतिहास है, उसको पढ़ने की जरूरत है। जो बाबा साहब ने लिखा, जो हमारे महापुरुषों की वाणियां हैं, उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, वो जो नैरेटिव जिसको फिट करना चाहते हैं, वो फिर वो देखेंगे रामसिया का चल रहा है आजकल,
उसमें राम ने कहा ही नहीं उसको कि वन में चले जाए, वो अपने आप ही चलेगी, शंभुक की जिक्र ही नहीं उसमें, ये जो अपने आप ही चली जाएगी। वहाँ सबरी का मेल, वो जो बेर वाला था, वो जो ये जो ये तो टी वी पे आएगा ना, लेकिन आप पढ़िए ना उस रामायण को जो वाल्मीकि ने लिखी है। आप हम मानते हैं ना कि वाल्मीकि ऋषि हमारा गुरु है, ठीक है मान लीजिए, लेकिन मानिए कम से कम उनकी उनके पर चलिए ना आदर्शों पे। उनके हाथ में तो कलम है, आपके हाथ में झाड़ू का। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज भी कर रही हूँ आप, और प्रार्थना भी कर रही हूँ, दोनों चीज़ें चैलेंज इस रूप में। जितनी भी हमारी वाल्मीकि की तस्वीरें हैं उसमें एक लाइन बहुत अच्छी से लिखी होगी, मेरे ख्याल से आपने भी पढ़ी होगी और आपने भी पढ़ी होगी, रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक तो ये लिखा होता है, एक और लिखा होता है। आप ये देखिए कि कभी किसी ने समझने की कोशिश की है जो वाल्मीकियों को अपना गुरु मानते हैं, धर्मगुरु मानते हैं, अच्छी बात है, मानना चाहिए, मैं भी मान रही हूँ वाल्मीकि गुरु है, मान लीजिए, लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि वो जो लिखा हुआ है कोटेशन वाल्मीकि की मूर्ति के नीचे, वो तो तुलसीदास का है, रामचरितमानस का, गोस्वामी तुलसीदास, जो वाल्मीकि है ही नहीं, वो रामचरितमानस का है, और वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। वाल्मीकि ने तो भाई रामायण संस्कृत में लिखी थी, कम से कम इतना नरेटिव तो रखो याद, ये नहीं समझना चाहते। पंचकुइया में इतना बड़ा फेमस, जहाँ की सारी राजनीति भी जहाँ से शुरू होती है, आप मंदिर में हेमंत जी जरूर जाके आइए, मेरे कहने से बहुत बड़ी एक मूर्ति लगी हुई है भगवान वाल्मीकि की, उसके बड़े बड़े शब्दों में यही लिखा हुआ है। आप ये देखिए कि आप गुरु तो उसी को मान रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके नीचे जो लिखा हुआ तुलसीदास का है। अब पूज किसको रहे हैं फिर, तुलसीदास को पूज रहे हैं या वाल्मीकि को पूज रहे हैं? आपको इतना सा भी अगर ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान कहाँ से आएगा? शास्त्रों को पढ़ने से आएगा। फोर फादर्स ने, हमारे जो अपना जो महापुरुषों ने जो लिखा है, ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पढ़िए, गुलामगिरी पढ़ेंगे जिस दिन, उस दिन अपने आप अपनी बेड़ियाँ तोड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही तो कहा था कि जब तक आपको एहसास ही नहीं होगा तब तक आप बेड़ियाँ कैसे तोड़ेंगे, तोड़ ही नहीं सकते, इसलिए गुलामगिरी पढ़िए, छोड़ दीजिए गोस्वामी तुलसीदास को, जब तक ये रहेगा तब तक आप वही पढ़ेंगे, फिर ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसी में आप उलझते रहिए। आप ये देखने नहीं चाहते कि वाल्मीकि ने तो संस्कृत में लिखा हुआ है, आप कम से कम इतना तो ध्यान रखिए। और आप ये देखिए कि आप जंतियाँ मनाते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं। आप एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अभी एक स्कूल का उद्घाटन हुआ, वाल्मीकि एजुकेशन स्कूल, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ, लेकिन साथ ही साथ मुझे विडंबना भी नज़र आई कि हम लोग जयंतियों पे इतना पैसा बर्बाद करते हैं। क्या एक भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपने खोली है? किस चीज़ के धर्म है ये, किस चीज़ का? अरे धर्म तो उनका है, BHU जैसी यूनिवर्सिटी खड़ी हुई हुई है, क्यों नहीं आप ऐसी यूनिवर्सिटी बनाते हैं? आप बना लीजिए मंदिर, हमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर्सनली बनाइए, लेकिन मंदिर में आप बनाइए, मूर्ति रखिए एक एक जगह पे, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी का हब बनाइए ना, वहाँ भी तो है मूर्ति। BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी तो मूर्ति है, लेकिन यूनिवर्सिटी देखो ना आप, वो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इंटेलेक्चुअल निकलते हैं वहाँ से, आप बना लीजिए वाल्मीकि यूनिवर्सिटी अगर आपके पास हिम्मत है तो। हाँ, लेकिन अरे एक तरह से चेंजेज आ रहा है, अब हमारे जो युवा हैं वो झाड़ू को छोड़ना चाहते हैं, उनको अब बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ उनका रुझान है। मुझे बहुत, मतलब बहुत मैं गदगद हूँ इस मामले में कि हमारे जो लोग हैं वो झाड़ू को छोड़ के एक तरह से अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये तब तक नहीं ज़्यादा अम्बेडकरवाद की तरफ जाएंगे जब तक आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी थी, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत साधुवाद प्रोफेसर साहिबा का। और अगर ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आज जिस तरीके से अपना जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो सारा आज कौशल पवार जी ने हमें बताया, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय भीम।